राजनीति में दीपिका पादुकोण की एंट्री। इन दिनों बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण सुर्खियों में है। 20 फरवरी को मुंबई में लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर 2019 का आयोजन हुआ था। इस अवार्ड शो में दीपिका पादुकोण भी शामिल हुई थी। सोशल मीडिया पर इस अवार्ड शो के फंक्शन की कई तस्वीरें काफी वायरल हो रही है। इस अवार्ड शो के दौरान दीपिका सफेद कलर की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। दीपिका को यहां सम्मानित भी किया गया। इस दौरान उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। दीपिका से इस फंक्शन में कई सवाल किए गए। राजनीति में आने को लेकर भी दीपिका पादुकोण ने खुलकर बात की। जब दीपिका से राजनीति में आने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं स्वच्छ भारत का मिनिस्टर बनना चाहूंगी, क्योंकि मुझे साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अलावा जब फंक्शन में दीपिका पादुकोण ने हंसते हुए अपने बचपन की एक स्टोरी सबके सामने शेयर करते हुए बताया कि जब वह छोटी थी तो सभी फ्रेंड उन्हें रहने के लिए अपने यहाँ बुलाते थे, तब उन्हें ऐसा लगता था कि वह बहुत ही मशहूर है। हालांकि दीपिका को बाद में एहसास हुआ कि वह मुझे इसलिए बुलाते थे ताकि मैं उनके घर के बेडरूम और अलमारियों को साफ कर सकूं। इसलिए अब मैं जब भी घर पर होती हूँ तो साफ सफाई जरूर करती हूँ। दीपिका पादुकोण ने इसके साथ ही बताया कि जब मैं मुंबई आई थी तो सिर्फ 18 साल की थी। मुंबई मेरा घर है। आज मैं जो भी हूँ अपनी मेहनत और इस शहर की वजह से हूँ जो मुझे इसने दिया है। आपको बता दें कि दीपिका जल्द ही मेघना गुलजार की एक फिल्म छपाक में दिखाई देगी और जल्द इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।